हेलो एवरीवन, मैं शुभम कुमार और आज मैंने फिल्म देखी जवान, जिसे देखने सुबह 7 बजे बुड्ढे भी आए थे, जिन्हें देख के मेरे घुटने में दर्द होने लगा और मैंने अंकल को पूछा, क्या अंकल सुबह सुबह? हाँ बेटा, मैं SRK की फिल्म बचपन से देखते आ रहा था। मुझे पता चला कि अंकल भी जवान है। अब फिल्म की बात करो तो साल में एक आध फिल्म ऐसी आती है जिसके लिए आपको किसी की राय या रिव्यू की जरूरत नहीं होती, आपको जरूरत होती है तो सिर्फ टिकट की, क्योंकि यार ऐसी फिल्मों को सिर्फ थिएटर में ही एक्सपीरियंस किया जा सकता है, लाइक अ फेस्टिवल। अब ये फिल्म मास एंटरटेनिंग है, जहां पर आपको क्लासी शॉट देखने को मिलेंगे विद हैवी BGM। मतलब अनिरुद्ध के जो BGM है यार, ऐसे लग रहे थे कि यार वो सिर्फ थिएटर में ही एक्सपीरियंस किया जा सकता है। मतलब यूट्यूब पे वो फील ही नहीं आ रहा था, लेकिन जहां पर बैकग्राउंड में वो बज रहा था जवान हूं, ये सिंगल BGM ही काफी है थिएटर को ब्लास्ट करने के लिए। अब इतना हैवी जब BGM बज रहा है तो यार हैवी परफॉर्मेंस भी तो देखने को मिलेगा। मतलब शाहरुख खान जिस वे से उन्होंने लुक चेंज पे चेंज किया, मतलब कि एटली ने जिस हिसाब से उनको एंट्रीज दिया, हर 10-15 मिनट बाद एक अलग लुक में एक अलग एंट्री देखने को मिलता है। यार लिटरली लोग यार चिल्ला रहे थे थिएटर में। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा कि पूरा थिएटर एक साथ सीटी बजा रहा है, ताली बजा रहा है, मतलब जिसे देख के यार गूज़बम आ जा रहे थे, वो मजा आ रहा था देखने में। परफॉर्मेंस की बात करो तो एक ही लाइन बोलूंगा यार शाहरुख भाई के लिए कि द एरा हैज बीन कंटिन्यू। मतलब कि यार जिस वे से वो आज भी नौजवानों को अपने पीछे पागल कर दे रहे यार, वो देख के अलग ही मजा आ रहा है। लेकिन उन्हीं के सामने है विजय सेतुपति एज अ विलन। उनका जो डायलॉग डिलीवरी था ना, जो लेवल पे उन्होंने सेट किया है ना इस फिल्म के अंदर यार, जिसे देख के आपको लिटरली ऐसा लगेगा कि यार ये बंदा चुप ही ना रहे, कुछ ना कुछ बोलते जा रहे। वो तमिल में जो उनका थोड़ा थोड़ा एक्सेंट निकल जा रहा था ना यार, वो लिटरली बहुत ही मजा आ रहा था। और वो बहन तारा भी है फिल्म में, लेकिन उनको देखना नहीं वरना प्यार हो जाएगा और पहले से शादीशुदा, तो यार ऐसा अच्छा नहीं लगता ना कि बार बार दिल तोड़े इसके लिए, यार मत देखना। क्योंकि यार फिल्म के अंदर उनका प्रेजेंस ही काफी है टू अट्रैक्ट ऑडियंस, और अपने को दीपिका पादुकोण भी कैमियो में दिखती है, लेकिन ऐसा लगता है कि यार आधी फिल्म उनकी ही है, क्योंकि यार मजा आता है उनको देख के। और एंडिंग में हमको संजय दत्त का भी कैमियो देखने को मिलता है, जो हमें ऐसा लगता है कि हाँ भाई और कोई है तो डालो, क्योंकि चलने दो फिल्म चलने दो, इतना मजा आ रहा था। फिल्म की स्टोरी की बात करो तो गवर्नमेंट के अंडर जितने भी सर्वेंट है वो सारे ही करप्ट हो गए, जिसके कारण आम आदमी को काफी तकलीफ होता है, जिसको सही करने के लिए SRK मुद्दा लेके चलते हैं कि मैं इनका हक का पैसा इन्हें दूंगा। तो आपको कहीं कहीं ऐसा लगेगा कि इस टॉपिक पे भी पहले भी काफी सारे फिल्में बन चुकी है, लेकिन उन फिल्मों में SRK नहीं थे, इसलिए ये फिल्म को उन फिल्मों से अलग देखने को मिलता है। अब ओवरऑल फिल्म की बात करो तो इट्स अ वेरी मासिव फिल्म, जहां पर आपको फुल एंटरटेनमेंट मिलेगा विद अ लॉट ऑफ इमोशन, जहां पर आपको रोने पे भी मजबूर कर देगा कि हाँ यार सच में ऐसी सारी चीजें आज भी चल रही है क्या, कहीं कहीं आपको ऐसे सोचने पे भी मजबूर कर देगा। अगर रेटिंग की बात करो तो मैं 3.5 out of 5 स्टार दूंगा इस फिल्म के लिए। और SRK की फिल्म है यार, 4 साल बाद दूसरी फिल्म आई है, तो यार घर क्यों बैठो, ऐसी फिल्में सिर्फ और सिर्फ थिएटर में ही एक्सपीरियंस करने में मजा आता है यार, तो टाइम पास मत कीजिए। अगर आपको मेरा मूवी रिव्यू पसंद आ रहेगा तो कमेंट कर दीजिए, और आपको ऐसे ही रिव्यू चाहिए रहेंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना लाइक करके नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।